मैं आप सबसे आज ये बताना चाहूँगा कि हम लोग बात कर रहे हैं COPD की। ये वो बीमारी है जो कि धीरे धीरे लंग्स की कैपेसिटी को कम करती चली जाती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चालू हो जाती है और धीरे धीरे पेशेंट का बिस्तर से उठना भी बंद हो जाता है। लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग समझें कि ये बीमारी इंडिया में सेकेंड कॉज ऑफ डेथ क्यों है? सेकेंड कॉज मीन्स कि हर दूसरा आदमी जिसकी डेथ इंडिया में इस वक्त हो रही है वो COPD से हो रही है। तो ये हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं आसपास जिनको हो सकती है, इसको कैसे रिकॉग्नाइज करें? जनरली बहुत टाइम लग जाता है पहचानने में कि ये खांसी और सांस का फूलना COPD की वजह से है, और तब तक हम लोग इस बीमारी के उस चरण तक पहुंच चुके होते हैं जहां तक लंग का डैमेज हो चुका है। स्मोकिंग सेसेशन यानी ऑल तरीके की वो चीज़ें जो आपके लंग्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसा कि स्मोकिंग होगा, पोल्यूशन होगा, घर में यूज़ किया हुआ बायोमास फ्यूल होगा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होगा, ये सब चीज़ें हमारे लंग्स को ख़राब करती हैं। अगर हम इन सब से बचा के इस बीमारी से बच सकते हैं तो वो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं बच पाए और हमारे लंग्स ऑलरेडी अफेक्टेड हैं तो आगे उन्हें और ख़राब होने से बचा सकते हैं? इसके लिए डायग्नोसिस ज़रूरी है, और डायग्नोसिस के लिए हम लोग लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं। अगर आप इस रिस्क ग्रुप में आते हैं तो आइए अपना टेस्ट करवाइए, और अगर बीमारी डायग्नोज होती है तो अर्ली स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट चालू करिए, और इसका अल्टीमेट आउटकम जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरी सेकेंड डेथ इन इंडिया इज़ बिकॉज ऑफ COPD, हम इसको किसी तरीके से भी रोकथाम में, स्टॉप करने में आप सबकी मदद के साथ कर पाए। ऐसा हो सकता है, लेकिन इस सब के लिए हमें ज़रूरी है कि सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, आप लोग भी समझें कि ये बीमारी आपको हो सकती है, और अगर है तो आप अपना टेस्ट करा के कन्फर्म करिए और इलाज चालू करिए। थैंक यू।